हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम CSEET का पेपर नंबर 3 जो है उस पर बात करने जा रहे हैं। दिस इज रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट का नाम है और इसमें अराउंड कुछ 8 चैप्टर्स हैं। तो पहले फर्स्ट हाफ में इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है, जो मोस्ट ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं तो आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज 12th तक की आपकी स्टडीज में इकोनॉमिक्स कवर होता ही है। जो सेकेंड हाफ है, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 एंड इट इज रिगार्डिंग द बिजनेस एनवायरमेंट इन इंडिया। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और बहुत ही रिलेवेंट और नए टॉपिक्स हैं जो इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा, कुछ नॉलेज ही आपकी बढ़ने वाली है यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 6 जो है आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 111, 112, वहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम जो है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो। आप एंटरप्रेनर बोलो, एंटरप्रेनर बोलो, जैसे आप प्रनाउंस कर सकते हो करो। वैसे एंटरप्रेनर होता है, लेकिन एंटरप्रेनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बार बार वो वर्ड बोलना ही थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वाइज डिफिकल्ट है, तो मैं उसको थोड़ा सा सिंपल रख रहा हूँ। इट इज एंटरप्रेनरशिप, ऐसे हम रखते हैं। तो एंटरप्रेनर सिनेरियो, तो एंटरप्रेनरशिप मतलब जब आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क एज एन एम्प्लॉय, बट यू आर गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। तो दैट इज एंटरप्रेनर, दैट इज द टर्म विच इज यूज for a businessman or a person who is going to become an employer and he will be employing others। ठीक है, वैसा रहेगा। तो उसके लिए government ने क्या initiatives लिए, page number 109 है, sorry। तो government ने यहाँ पे क्या initiatives लिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो initiative है, it is the Make in India movement and it is a very popular movement worldwide। Make in India के बारे में पूरे world में हर जगह बात हो रही है और बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि मोदी जी ने 2014 इलेक्शन जीतने के बाद ही इसको अनाउंस कर दिया था और इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। उसकी थोड़ी सी आपको यहाँ पे बेसिक गाइडलाइंस दिए उन्होंने, बोला इवन पूरे वर्ल्ड ने इंक्लूडिंग अमेरिका मेक इन इंडिया पॉलिसी को इंडिया के लिए एक ब्रेक थ्रू पॉलिसी की तरह जो है कंसिडर किया। और बोला कि सेप्टेम्बर 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया, उसके बाद से ये पॉपुलर हो गया है। नेशनल प्रोग्राम है, इंटेंशन क्या है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना है, दैट इज द मेन इंटेंशन, जिस वजह से ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। और इन्वेस्टमेंट्स लेके आने पड़ेंगे पूरे वर्ल्ड से, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है इंडिया को, तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि इंडिया में फॉरेन कॉरपोरेट हाउसेज भी आएँ और लोकल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हों। तो उसके लिए उन्होंने कुछ 25 की एरियाज को आइडेंटिफाई किया, इसमें ऑटोमोबाइल, केमिकल, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पे बात हुई। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बात हुई। और बोला कि एफडीआई की जो लिमिट है उसको हम बढ़ा देंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अलाउ करेंगे, ताकि इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए और मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह इंडिया सेटअप हो सके। और भी कुछ किया है इन्होंने, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स सेटअप किए टू असिस्ट फॉरेन बिजनेस लोकेट पार्टनर्स एंड साइट्स विद अ स्लू ऑफ मेजर्स एंड हैव बीन इनिशिएटेड फॉर डोमेस्टिक कंपनीज विच वर रिवील्ड आफ्टर द मोदी गवर्नमेंट अनवील्ड द स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस इन 2015। तो स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया। इस पैराग्राफ में ज़्यादा समझाया नहीं है, बट अगला ये टॉपिक वही है, स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे ये बोला कि एंटरप्रेनरशिप का जो कंसेप्ट है कि आप खुद अपने मालिक बनो, वो कंसेप्ट को विमेन और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उन लोगों तक भी पहुँचाना ज़रूरी है। सिर्फ जनरल या बाकी के लोगों के लिए या मेल पर्सन के लिए ही ये स्कीम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिलेगा ना, तो वो लोग भी आगे आएंगे, इसलिए ये डिसीजंस लिए गए। और ये जो स्कीम है उसको लीड करने वाली जो अथॉरिटी है, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इट फैसिलिटेट्स द बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख रुपीज़ टू 1 करोड़ रुपीज़। ये कॉम्प्रिहेंसिव लोन्स होते हैं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोन मिल रहा है और वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन मिल रहा है, एंड एटलीस्ट 1 वुमन बोरोवर पर बैंक। अब इसमें ये बोला है कि हर बैंक की हर एक ब्रांच को एटलीस्ट एक शेड्यूल्ड कास्ट या फिर एक शेड्यूल्ड ट्राइब, दो में से कोई एक, और उसके साथ साथ एटलीस्ट एक वुमन बोरोवर को इस टाइप का लोन देना पड़ेगा फॉर सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री, जिसको यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का मतलब ये है,
ऐसा पर्सन जो फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग इस टाइप का कोई यूनिट या बिजनेस सेटअप कर रहा हो और इससे पहले उसने ऐसा कोई बिजनेस सेटअप नहीं किया हो, तो उसको हम बोलते हैं सर्विसेज सेक्टर भी चलेगा, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड में मतलब कोई फर्स्ट टाइमर होना चाहिए, तभी तो एंटरप्रेनर बन रहा है ना, जो ऑलरेडी बन चुका है उसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। द एंटरप्राइज में भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ट्रेडिंग सेक्टर, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग शुड बी हेल्ड बाई इधर एन SC/ST और वुमन एंटरप्रेनर, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी के फॉर्मेट में या LLP के फॉर्मेट में बिजनेस करना चाहे कर सकता है, लेकिन उसकी मेजोरिटी जो कैपिटल होल्डिंग है वो इनके पास ही होनी चाहिए, ये बोला। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है SC/ST एंड और वुमन एंटरप्रेनर्स अबव द 18 years ऑफ एज, वो तो ऑब्वियसली होगा 18 years की एज तो होनी चाहिए। लोन जो अवेलेबल है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही अवेलेबल है, ग्रीन फील्ड होता क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरा बोल रहे हैं नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स वाला पॉइंट, वो भी हमने देख लिया। बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रखा है फिर तो पंगा है। लोन डिटेल्स, नेचर ऑफ लोन, कॉम्पोजिट लोन बोला है, कॉम्पोजिट लोन बिटवीन 10 lakh एंड अप टू 100 lakh, ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन दोनों आ गया। लोन का पर्पस वही होना चाहिए जिसकी हमने बात की। लोन का साइज क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। कॉम्पोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ द टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, द स्टिप्युलेशन ऑफ द लोन बीइंग एक्सपेक्टेड टू कवर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड नॉट अप्लाई इफ द बोरोवर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द कन्वर्जेंस सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम एक्सीड्स 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे बोला है कि जो कॉम्पोजिट लोन आपको मिल रहा है ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ द टर्म लोन एंड द वर्किंग कैपिटल अमाउंट, द स्टिप्युलेशन ऑफ द लोन बीइंग एक्सपेक्टेड टू कवर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड नॉट अप्लाई इफ द बोरोवर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द कन्वर्जेंस सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर स्कीम एक्सीड्स 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब अगर आपको किसी और स्कीम में भी बेनिफिट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और आप खुद अपनी पॉकेट से भी पैसा लगा रहे हैं, और वो दोनों मिला के आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% से ऊपर हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये स्कीम में, ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में आपको जितना भी लोन मिल रहा है वो 75% या उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, जबकि वो होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि 75% वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल तभी माना जाएगा जब बाकी इन्वेस्टमेंट्स 25% से कम हो, ठीक है। ये तो सिंपल मैथ्स हो गया और कुछ नहीं। इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा इट वुड बी द लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी नॉट टू एक्सीड बेस रेट प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। MCLR जो होता है वो क्रेडिट लेंडिंग रेट होता है बैंक का, ठीक है। तो दैट इज द बेस रेट प्लस 3% जो है वो फिक्स है इसके ऊपर, प्लस टेनर प्रीमियम और कुछ प्रीमियम उनको चार्ज करना हो डिपेंडिंग कि आपने कितने ड्यूरेशन का लोन लिया है, ऐसे करके वो लोग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। इवन जो आप होम लोन लेते हैं ना उसमें भी ऐसा होता है, MCLR जो बोलते हैं मनी क्रेडिट लेंडिंग रेट होता है तो वो और उसके ऊपर एक वो लोग परसेंटेज चार्ज करते हैं। तो MCLR अगर सपोज बैंक का 7% है और प्लस उन्होंने अपना जो स्प्रेड है या प्रीमियम है वो 1.5% रखा है तो आपको होम लोन 8.5% में मिलेगा। अगर RBI रेपो रेट गिराती है और बैंक वाले उसके बेसिस पे MCLR जो लेंडिंग रेट है वो गिराते हैं, ठीक है, तो आपका होम लोन का रेट कम होता है, अदरवाइज बढ़ता भी है। तो इट कैन गो बोथ साइड्स, वैसे बोला है। सिक्योरिटी, बिसाइड्स प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी सिक्योर्ड बाई कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स एज डिसाइडेड बाई द बैंक्स। तो ये सिक्योरिटी की बात हो रही है कि जो प्राइमरी बेसिक सिक्योरिटी है वो तो बैंक मांग ही सकती है, और दूसरा क्या हो सकता है, द लोन में बी सिक्योर्ड बाई कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी। गारंटी कौन देगा, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर द स्टैंड अप इंडिया लोन्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक्स। तो ये भी एक अथॉरिटी बना रखी है, एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम, कि अगर कोई स्टैंड अप इंडिया लोन लेता है तो प्राइमरी गारंटी जो वो दे सकता है वो तो देगा, कोलैटरल सिक्योरिटी में अगर कोई गारंटी चाहिए तो ये अथॉरिटी इस स्कीम में आपको गारंटी दे सकती है। तो कहीं ना कहीं बैंक वाले सिक्योर हो जाएंगे कि गवर्नमेंट गारंटी ले रही है कि इसको पैसा दो, डूबेगा तो हम वापस कर देंगे, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। रीपेमेंट की बात कर रहे हैं, द लोन इज रीपेएबल इन 7 years विद अ मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। मॉरेटोरियम का मतलब है कि अगर आपको
बेनिफिट देना हो कि आप बीच में लोन पे ना कर पाए या ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है, तो आपका लोन का ईएमआई रोका भी जा सकता है। और उसके बाद जो मॉरेटोरियम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 18 मंथ्स मैक्सिमम मॉरेटोरियम हो जाएगा, मतलब ब्रेक टर्म। जैसे बीच में अभी कोरोना वायरस का इशू आया था तो आरबीआई ने 3 मंथ्स का मॉरेटोरियम प्रोवाइड किया था लोन्स पे, कि 3 महीने तक का आप अगर आप लोन नहीं भरेंगे तो चलेगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड। वर्किंग कैपिटल, फॉर विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख द सेम मे बी सैंक्शन बाई वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। 10 लाख रुपए तक का आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। रूपे डेबिट कार्ड टू बी इशूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द बोरोवर। ये रुपे कार्ड जो है ना, ये इंडियन कंपनी बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरेस्ट ले रही है। और ये जो मास्टर कार्ड और वीजा, दो यूएस की कंपनीज है ना, इनके हाथ धो के पीछे पड़ गई है इंडियन गवर्नमेंट, और इससे उनके बिजनेस को एक्चुअली में बहुत अफेक्ट हुआ है। क्योंकि जब से रुपे कार्ड निकाला है ना, इंडियन बैंक्स को गवर्नमेंट ने एक कंपल्शन दे दिया है कि आपको अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है वो रुपे कार्ड के साथ ही टाई अप करके इशू करने हैं कस्टमर्स को, कि दे आर लीस्ट कंसर्न कि वो वीजा कार्ड है कि मास्टर कार्ड है, उनको डेबिट क्रेडिट कार्ड से मतलब है। तो आप मास्टर कार्ड और वीजा के साथ क्यों टाई अप करते हो, आप इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करो। तो रुपे कार्ड इसीलिए पॉपुलर हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि आप ये करो, और ये अच्छा भी है। क्यों ना हम अपनी इंडियन कंपनीज को प्रायोरिटी दें, क्यों हम हमेशा यूएस की कंपनीज के पीछे भाग भाग के उनकी इकोनॉमी बढ़ाते जाएं, क्योंकि हर मास्टर कार्ड ट्रांजेक्शन पे जो है यूएस पैसा कमाए, क्या जरूरत पड़ी। तो हम क्यों ना अपनी कंट्री के जो कंपनीज है उनको सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट ने ये कंपल्शन लगाया तो फिर वो कर रहे हैं। तो बहुत सारी बैंक्स जो आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करती है उस पर रुपए लिखा होता है, और ये पॉपुलर हो रहा है, तो रुपए डेबिट कार्ड भी इशू होगा यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल लिमिट अबाउट 10 लाख टू बी सैंक्शन बाई वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। नेक्स्ट है मार्जिन मनी। द स्कीम एनविसेजेस 25% मार्जिन मनी विच कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस विथ एलिजिबल सेंट्रल और स्टेट स्कीम। यहाँ मार्जिन मनी की बात हो रही है। मार्जिन मनी मतलब जो थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस का मनी आपको पे करना होता है वो। वाइल सच स्कीम कैन बी ड्रॉन अप फॉर अवेलिंग एडमिसिबल सब्सिडीज और फॉर मीटिंग मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट्स, इन ऑल केसेज द बोरोवर शैल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन मिनिमम ऑफ 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब जितना भी उसका प्रोजेक्ट है, अब डाउन पेमेंट होता है ना, अगर आप कोई चीज लोन पे खरीद रहे हैं तो सारा 100% लोन थोड़ी ना होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ पैसा तो आपको एक बार जेब से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओन कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, दैट इज मिनिमम 10%। और नॉर्मली जो मार्जिन मनी की बात की है उसमें बोल रहा था स्कीम एनविसेजेस 25% मार्जिन मनी विच कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस विद द एलिजिबल सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम। ये ऊपर जो हमने देखा ही था अभी, वो 75% और 25% का रेशियो, तो आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन कम से कम 10% होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत फंडिंग आप सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज से ले सकते हैं, अप टू 25 टोटल जाएगा, मतलब 10 और वो 15 समझ लो, ऐसे टोटल 25, बाकी का जो 75 है वो आपको यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया लोन्स के नाम पे मिल सकता है। क्लियर, तो ऐसे मैथमेटिकल डिविजन किया। तो ये सेकेंड स्कीम हो गई। थर्ड स्कीम पे चलते हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम की बात हो रही है। देख लेते हैं इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। इट इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन, ऐसा वो बोल रहे हैं। गोल ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इज द डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फाइनेंस सपोर्ट, गवर्नमेंट टेंडर्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। स्टार्टअप इंडिया वॉज लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 16th January 2016। तो आपको इसमें से एमसीक्यू बहुत सारे मिल जाएंगे। इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने किस लिए लिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, दूसरा वेल्थ क्रिएशन के लिए। फिर द गोल ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इज डेवलपमेंट एंड इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो ये एक इनका गोल है। इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, ऊपर भी देखा हमने। बेनिफिट्स क्या होंगे, वर्क सिंपल हो जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट देगी, अच्छा जो स्टार्टअप्स होंगी इंडिया में उनको गवर्नमेंट टेंडर्स मिलेंगे, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। स्टार्टअप इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2016 में लॉन्च किया, तो 4 साल हो गए इसको और इसके ऊपर काम चल रहा है। स्टार्टअप इंडिया के जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पे बताए हुए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो हैं ही इनको, ठीक है, क्योंकि इनको पेटेंट बेस्ड स्टार्टअप्स बोला जाता है जनरली, क्योंकि ये लोग जो भी नया इनोवेट करते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, फार्मास्यूटिकल्स के मामले में, तो उनको एक तरीके से पेटेंट जो है वो पहले ही मिल जाता है, वो पेटेंट करवा लेते हैं अपनी स्टार्टअप एंटिटी के नाम पे,
ताकि जब भी वो टेक्नोलॉजी का आगे यूज करें तो उनको कोई आईपीआर का इशू, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कोई इशू फेस ना करना पड़े, और उनके लिए जो पेटेंट का जो कॉस्ट होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू गेट द पेटेंट रजिस्टर्ड दे हैव टू इनकर अ हैवी कॉस्ट विच इज नोन एज पेटेंट कॉस्ट, बट स्टार्टअप इंडिया स्कीम में ये पेटेंट कॉस्ट का अप टू 80% पैसा जो है वो वेव हो जाता है, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। मोर ओवर द प्रोसेस ऑफ द पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड पार्ट इज फास्टर फॉर देम, जल्दी काम होता है। गवर्नमेंट जो है वो फीस पे करती है फैसिलिटेटर को कि भाई इसको पेटेंट जल्दी दिलवाओ, उसमें हम भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और इसका कॉस्ट कम करो। तो स्टार्टअप होने का पहला बेनिफिट आपको फाइनेंशियली मिल रहा है, पेटेंट कॉस्ट का रिड्यूस होना और टाइम कम लगना। इनकम टैक्स में भी आपको पहले 3 साल में टैक्स एग्जेम्पशन है, एक कैपिटल गेन टैक्स होता है जो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे उस पर एग्जेम्पशन है, और इनकम टैक्स में भी एग्जेम्पशन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट 3 ईयर्स तक ये फायदा आप ले लो। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स, बाकी एंटिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, यहाँ पे आप ये सारा काम बहुत ही जल्दी और शॉर्ट प्रोसेस में कर सकते हैं, यही बताया यहाँ पे। एन एप्लीकेशन इज देयर टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन, अ सिंगल मीटिंग इज अरेंज टू एट द स्टार्टअप इंडिया हब, ऑल्सो देर इज अ सिंगल डाउट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विंडो फॉर देम। तो आप एक सिंगल मीटिंग में भी अपना स्टार्टअप रजिस्टर करने का एप्लीकेशन दे के काम खत्म कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट टेंडर्स, एवरी वन सीक्स टू अक्वायर गवर्नमेंट टेंडर्स बिकॉज ऑफ हाई पेमेंट्स एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स, बट इट इज नॉट ईजी टू अक्वायर द गवर्नमेंट टेंडर्स अंडर दिस स्कीम। द स्टार्टअप्स गेट प्रायोरिटी इन गेटिंग द गवर्नमेंट टेंडर्स। गवर्नमेंट टेंडर्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत बेसिक आपको आइडिया हो, अगर गवर्नमेंट को कोई रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, अच्छा गवर्नमेंट को कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, ठीक है, होता है ना, गवर्नमेंट भी तो अपने परचेजेस करती है, जैसे इंडस्ट्रियल पार्ट्स हो सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कोई इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, या गवर्नमेंट की कंपनीज की जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, रेलवे के लिए कुछ पार्ट्स खरीदे, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें, अच्छा जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी प्राइवेट एंटिटी को ऑर्डर करके उससे बल्क में FMCG प्रोडक्ट्स खरीदे जो रेगुलर फास्ट मूविंग गुड्स हैं, और फिर गरीब लोगों में बांटे जो उनकी राशन कार्ड की स्कीम और वो सब होती है उसके हिसाब से। तो इसके टेंडर्स निकलते हैं कि गवर्नमेंट को इतना इतना सीमेंट चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, इतना खाने पीने की चीज़ें चाहिए, इतना ये चाहिए, राशन चाहिए, आप कितने रेट में प्रोवाइड करोगे, आप टेंडर जो है उसका कोटेशन भरो। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में प्रायोरिटी किसको मिलती है, स्टार्टअप एंटिटीज को, ताकि जो वेल एस्टेब्लिश्ड एंटिटीज हैं वो तो अपना बिजनेस कर ही रही हैं, लेकिन जो स्टार्टअप है वो ग्रो होंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी एक लेवल पे आके मिलने लग जाए, तो इसीलिए जो स्टार्टअप है उसको पहला प्रेफरेंस यहाँ पे मिलता है, तो ये भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, साल में 2 बार एटलीस्ट स्टार्टअप फेस्ट ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे सारे स्टार्टअप इनिशिएटिव वाले जितने भी एंटिटीज हैं, कंपनीज हैं, वो बिजनेसेस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है, अलग अलग उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, और बेनिफिट ये होता है कि उन सबके एक साथ मिलने से नेटवर्किंग होती है, लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं, बायर सेलर मीट हो जाता है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, उस मीट का कुछ थीम होता है, उस पे सब अपना अपना इन्वेंशन इनोवेशन जो भी हैं नए आइडियाज रखते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, तो नेटवर्किंग होती है बेसिकली, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस इनिशिएटिव का। रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टार्टअप कैन बी डन ओनली फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज, फर्म, LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। स्टार्टअप इन 3 में से किसी भी एक फॉर्म में हो सकता है, ये क्लैरिफाई किया। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, रिसेंटली मैं अभी CS एग्जीक्यूटिव वालों को एक चैप्टर पढ़ा रहा था, उनका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज का एक सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, उसमें 9th चैप्टर है, दैट इज द सेम थिंग, वो भी स्टार्टअप के ऊपर ही पूरा टॉपिक है। तो जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मैंने उनको वहाँ पे भी समझाया, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो चैप्टर भी देख सकते हैं, उसमें से आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और ज़्यादा डिटेल्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है स्किल इंडिया प्रोजेक्ट, उसकी बात करते हैं, स्किल इंडिया में उन्होंने क्या बोला हुआ है वो भी देख लेते हैं, चलिए शुरू करें। फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ स्कीम है, द कंटेंट्स ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू बी इंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द कंटेंट्स कवर्ड अंडर द अफोरसेड पॉइंट, ठीक है। हिस्ट्री समझ लेते हैं उसकी, इन्होंने बोला कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप की गई, दिस इज अ नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब सेक्शन 8 में जो कंपनी लॉ में नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं, ये उस फॉर्मेट में बनाई गई कंपनी है, ठीक है।
इनकॉर्पोरेट की गई 31 जुलाई 2008 को, और कंपनीज एक्ट का तब 1956 वाला लॉ लगता था, तो उसमें सेक्शन 25 था। अब ये 2013 के एक्ट में सेक्शन 8 बन चुका है, ठीक है, तो आपको नया वाला याद रखना है। एनएसडीसी वाज सेट अप बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पीपीपी मॉडल बोलते हैं, ट्रिपल पी मॉडल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप होल्ड्स 49% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एनएसडीसी, व्हाइल प्राइवेट सेक्टर हैज द बैलेंस 51%। ये रेशियो भी ध्यान रखना एमसीक्यू में। इट एम्स टू प्रमोट द स्किल डेवलपमेंट बाय कैटलाइजिंग द क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी एंड फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लार्ज क्वालिटी, ओके ठीक है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट होना चाहिए वैसे, बट वोकेशनल में थोड़ा बहुत नॉमिनल अमाउंट वो चार्ज कर सकते हैं, उस सेंस में इसको बोला है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एनएसडीसी का मेन इंटेंशन ये है कि वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाए। वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मैं आपको शॉर्ट में पहले थोड़ा बता देता हूँ। आपके सिटी में भी ये काफी जगह होंगे, आपने मे भी नोटिस नहीं किया होगा। देखिए होता क्या है कि आप और मैं आज एजुकेटेड कैटेगरी के लोग हैं, मैंने पढ़ाई की है, मैंने अपना अच्छा एजुकेशन कंप्लीट किया, आप उस ट्रैक पे अपना एजुकेशन परस्यू कर ही रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, और हम उतना एफर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है पेरेंट्स का, फैमिली का, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके हम ये कर पा रहे हैं, मैंने ये किया, आप ये कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप नहीं हो रहा, ठीक है, आपके भी एफर्ट्स है और आपके फैमिली के भी एफर्ट्स है, तब जाके ये हो रहा है, ये आपको भी पता है। हर किसी को ये चीज़ का मौका मिलता नहीं है, इसके दो रीजंस हैं, कोई फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाता है अनफॉर्चुनेटली, और कुछ लोग हैं जो पढ़ाई में शायद उतने अच्छे नहीं होंगे जितने आप और मैं हो सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों रीजंस की वजह से जब उनका एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो एक यंग एज में आने के बाद उनको लगता है कि यार अब हम काम क्या करें, हम कमाएं क्या, हमारी अर्निंग का ना कोई सोर्स जनरेट हो रहा है, और अगर हो भी रहा है ना तो उतने अच्छे पैसे नहीं मिल रहे, तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसी के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेटअप किए, जिसमें उन लोगों को वो काम सिखाया जाता है जो वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, और उसका उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा, प्लस उसके बेसिस पे उनको काम मिलेगा, तो एटलीस्ट वो अपना खर्चा तो निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ इनकम तो अर्न कर सकते हैं। ये छोटे मोटे काम हो सकते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा काम करता है, और पढ़ाई और रिटर्न और थियरी एग्जाम्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे एसी का रिपेयरिंग हो गया, मोबाइल फ़ोन का रिपेयरिंग हो गया, टीवी रिपेयरिंग हो गया, कंप्यूटर टाइपिंग का कोर्स हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, प्लम्बर, वाटर सिस्टम्स रिपेयर करना, वो सब काम हो गया, ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है। तो कंप्यूटर पे डेटा एंट्री, बेसिक यूजेज, ये सब चीज़ें डेवलप करने से एटलीस्ट एक एवरेज इंसान जो पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा है और उसने अपनी एजुकेशन की भी नहीं है, एटलीस्ट वो ये बेसिक चीज़ें सीख के उतना काम तो कर पाएगा। किसी को बेसिक कंप्यूटर सिखा दिया तो कोई शोरूम में, कोई शॉप में, कोई ऑफिस में डेटा एंट्री, बिलिंग, काउंटर संभालना कुछ तो करेगा वो, तो एटलीस्ट उससे उसका इनकम सोर्स स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा और उसको उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये चीज़ इसने सीखी है। तो एक सर्टिफाइड पर्सन होना उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, और वही सपोर्ट यहाँ पे इस स्कीम में दिया जा रहा है, ठीक है। फर्दर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फंडिंग टू बिल्ड स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। इट्स मैंडेट इज ऑल्सो टू एनेबल सपोर्ट सिस्टम विच फोकस ऑन द क्वालिटी अश्योरेंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेन द ट्रेनर एकेडमीज ईदर डायरेक्टली और थ्रू पार्टनरशिप्स। इवन जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज हैं जिनको सेंटर्स बनाया गया है, तो उनको भी ट्रेनिंग गवर्नमेंट देगी ये कॉरपोरेशन के थ्रू कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग आगे कैसे प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए बहुत नॉमिनल फीस चार्ज की जाती है, तो प्रॉफिट इस सेंस में बोला जाता है कि खर्चा निकल जाए, बहुत लार्ज प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन यहाँ पे नहीं। बाकी वही बोला है, एनएसडीसी इज अ कैटलिस्ट इन स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल, तो स्किल्ड वर्कर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए, बोल रहे 21 सेक्टर्स हैं जिनको टारगेट करके इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। तो पहली जो स्कीम और इनिशिएटिव लिया गया, इट इज द प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। कौशल का मतलब ही होता है स्किल, ठीक है, केंद्र मतलब सेंटर, तो ये मैंने आपको बोला वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, ये सेम चीज़ यहाँ पे बोली है पूरी, तो जो मैं आपको समझा रहा था आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पूरा मीनिंग मिल जाएगा। दूसरा, फंडिंग सपोर्ट की बात हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, द एनएसडीसी विल प्रोवाइड अ कंसेशनल सिक्योर्ड लोन फंडिंग पर सेंटर अप टू 75% ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट टू कवर द एक्सपेंडिचर ओनली रिलेटेड टू द ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेनिंग एड,
अदर एसोसिएटेड आइटम्स, सिविल वर्क इंक्लूडिंग सेटअप ऑफ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड रेट्रोफिट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो वोकेशनल कोर्सेज में इवन इंडस्ट्रियल मशीन्स चलाना भी सिखाया जा सकता है, तो उसके लिए इंस्टॉलेशन तो करना पड़ेगा ना, वो फंडिंग भी यहाँ पे गवर्नमेंट देगी। ऑपरेशनल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, वो भी पॉसिबल है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बनाई है, और भी स्कीम्स हैं जिसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग, कंट्रीज एबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स यूथ पॉपुलेशन, और इंडिया में ये पॉपुलेशन 65% से ऊपर है, तो यूथ को हार्नेस करना, उनको मोटिवेट करना, उनको स्किल बनाना, उनको स्ट्रीम लाइन में लेके आना, ये कंट्री की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा काम करता है, और उसी का यहाँ पे एडवांटेज इंडिया लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे वो कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया को डेवलप किया जाए। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, ठीक है, देखें, रिकग्नाइजिंग द इम्पेरेटिव नीड फॉर सच डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड। अभी कॉरपोरेशन की बात की, पॉलिसी की बात कर रहे हैं। गिवन द वास्ट पैराडाइम शिफ्ट इन द स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन द कंट्री एंड द एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अ नीड वॉज फेल्ट टू रीविजिट द एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू अलाइन द पॉलिसी फ्रेमवर्क विद द इमर्जिंग ट्रेंड। मतलब उनको अभी लगा कि हमें ये स्किल डेवलपमेंट और ये सब करना है, तो आज वर्ल्ड में जो हो रहा है उस लेवल पे हमें भी जाना पड़ेगा, उसके साथ मैच करना पड़ेगा, ताकि हम ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हमारा यूथ मैच कर सके। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू मीट द चैलेंज ऑफ स्किलिंग एट द स्केल विद स्पीड क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो पॉलिसी अब पुरानी हो जाती है तो उसमें अपडेट्स तो करना जरूरी होता ही है, उसी की बात यहाँ पे भी की। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं, इट इज कॉल्ड द प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। देखें क्या बोला है, गिवन द नीड टू ओरिएंट द पोटेंशियल माइग्रेंट वर्कर्स विद रिगार्ड्स टू लैंग्वेज कल्चर डूज एंड डोंट्स इन द डेस्टिनेशन कंट्री द इमिग्रेशन प्रोसेस एंड द वेलफेयर मेजर्स द PDOT प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज कंडक्टिंग द PDOT प्रोग्राम। NSDC इज द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर दिस प्रोग्राम। एक्चुअली में ये है कि इंडिया से जो लोग स्किल डेवलप करके इंडिया के बाहर जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो उनको उस कंट्री के लिए रेडी करना ज़रूरी है, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर और वहाँ की जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अडेप्ट कर लेनी आनी चाहिए और हमें पता होनी चाहिए, तो वो हमारे यूथ को सिखा के फिर हम वहाँ पे भेजेंगे तो मतलब है, वो बेचारा ऐसे ही वहाँ चला जाएगा, उसको ना भाषा आती है, ना कल्चर पता है, ना क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ रहना है, कुछ नहीं पता है, कैसे सर्वाइव करेगा। तो उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू दी जा रही है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक तरीके से कोलैबोरेट कर लिया इसके लिए, और ये काम दिया किसको, NSDC को दिया कि आप इम्प्लीमेंट करो। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, NSDC, क्लियर। अ लॉन्गर वेरियंट ऑफ PDOT दैट इज 160 hours वॉज ऑफर्ड एट द IISc's which consisted of country's orientation, language and digital literacy. तो 160 hours का एक कोर्स डिजाइन किया उन्होंने और बोला कि वो एक longer course, detailed course माना जाएगा, और इंडियन institutes हैं जो इसके लिए उसके थ्रू आपको ये सारी चीजें वहां पे सिखाई जाएगी, जिनको हम यहाँ पे बोल रहे हैं IISc। ठीक है, तो IISc जो है दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो आपको ये लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है। 160 आवर्स काफ़ी होते हैं और उसमें आपको सर्टिफाई भी वो करेंगे कि आपने क्या ट्रेनिंग उनसे ली हुई है। इसका शॉर्टर वेरिएंट भी है, दैट इज अ 1-day प्रोग्राम, इट इज ऑफर्ड टू ऑल द माइग्रेंट वर्कर्स हु आर लाइकली टू डिपार्ट सून। अगर टाइम कम है तो आप यहाँ एक दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हैं। PDOT प्रोग्राम इज डिलीवर्ड बाई ट्रेनर्स हु हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, मतलब ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग होती है ना कि क्या सिखाना है, तो वो जिनके पास ट्रेनिंग है वही आगे इस तरीके से लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। सो फार 52 ट्रेनर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड NSDC ट्रेनिंग पार्टनर्स हैव अंडरगॉन द PDOT। ठीक है, 52 ट्रेनर्स हैं जिन्होंने ये सीखा हुआ है। और लास्ट पार्ट में बोला है द टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखें इसमें क्या है, द प्रोग्राम प्रमोट्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू द ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज देयर फाइव contributing towards the human resource development
इट ऑफर्स द ट्रेनिंग टू द वर्कर्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड 3 to 5 years इन जापान इंडस्ट्रियल सोसाइटी. मतलब ये एक्सचेंज ऑफ वर्कर्स होगा, हमारे लोग दूसरे कंट्री में जाके सीखेंगे, दूसरे कंट्री के लोग यहाँ आके सीखेंगे. जापान का एग्जाम्पल दिया है. तो ये 3 to 5 years का डिटेल्ड प्रोग्राम रहेगा. ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट मोस्ट कॉम्पिटेंट यूथ इज सिलेक्टेड एंड सेंट टू जापान टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेनिंग टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, फॉरेन अफेयर्स, हेल्थ, लेबर, वेलफेयर ऑफ जापान साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इनिशिएटिंग द टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया इन अक्टूबर 2017. तो ये रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि हम इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सचेंज करके स्किल डेवलपमेंट करेंगे और जैसा हमने यहाँ डिसाइड किया वैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा. ठीक है. तो यहाँ तक आते आते हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया है, तो ऑलमोस्ट ये हाफ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बाकी का पार्ट कंप्लीट करेंगे. तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लो. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करके एनी टाइम पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है. थैंक यू सो मच.